हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे? सब ठीक ठाक? सब ठीक, मजे में लाइफ। टुडे वन मोर ब्राइडल मैनी डेमोन्स्ट्रेशन बट विथ पिकॉक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज मेन एलिमेंट्स। आज फिर एक बार ब्राइडल मेहंदी का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, लेकिन आज की मेहंदी में पिकॉक है थोड़ा हटके, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया दिखाया है इस वीडियो में। वाट एवर अदर एलिमेंट्स और आई वुड रादर से फिलर एलिमेंट्स आई हैव यूज्ड आर एक्चुअली द वन आई हैड ऑलरेडी शोन इन माई प्रीवियस ओल्ड वीडियोज एक्सेप्ट वन चेक्स एलिमेंट। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस न्यू ट्रायल एलिमेंट दैट आई वॉज प्रैक्टिसिंग लेटली, सो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू यूज़ दैट एलिमेंट इन दिस मेहंदी इट्स सेल्फ। एज यू ऑल नो दैट आई ऑलवेज डू दैट विथ ऑल ऑफ यू, आई ऑल्सो प्रैक्टिस माई न्यू एलिमेंट्स, एंड वैन आई एम गेटिंग समवंस ब्यूटिफुल हैंड देन इट्स गोल्डन चांस टू प्रैक्टिस समथिंग न्यू। आज की मेहंदी में मैंने जो भी एलिमेंट यूज़ किए हैं सारे के सारे मैं आपको अपने पुराने ट्यूटोरियल वीडियोज़ में या तो सिखा चुकी हूँ या तो दिखा चुकी हूँ। बस एक ही एलिमेंट ऐसा है जो नया है और मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं खुद उसकी प्रैक्टिस एक्चुअली कर रही हूँ। वो टाइल एलिमेंट कई दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे मौका मिला उसे प्रैक्टिस करने का, तो वो मौका मैंने ले ही लिया। बड़ी मुश्किल से मुझे वॉलंटियर मिलते हैं जो मुझे रिकॉर्डिंग करने देते हैं, क्योंकि मेहंदी लगाते वक्त रिकॉर्ड करना बड़ा ही चैलेंजिंग है, बड़ा ज़्यादा ही वक्त लग जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा सिर बीच में आ जाता है और अगर मैं सिर को बचाऊँ तो लाइन नहीं अच्छे से दिखती। इट्स रियली चैलेंजिंग रिकॉर्डिंग वाइल अप्लाइंग हैना ऑन समवंस हैंड, इट्स टाइम कंज्यूमिंग टू बिकॉज मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट माई हेड कवर द व्यू एंड इफ आई टेक केयर ऑफ माई हेड देन आई कैनॉट सी लाइन्स प्रॉपरली एंड दैट्स द रीज़न आई कैनॉट गेट चांस टू रिकॉर्ड वाइल अप्लाइंग हैना। और आई वुड रादर से आई अवॉइड डूइंग दैट, आई डोंट वॉन्ट टू टॉर्चर माई ब्राइड्स मोर। ओके, बैक टू द पॉइंट। इन दिस वीडियो आई हैव डन पिकॉक फ्रॉम फ्रंट व्यू एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवन एक्चुअली रिक्वेस्टेड दिस। इट्स अ गुड आइडिया दैट वेन एवर यू ड्रॉ फुल कंप्लीट पिकॉक देन ड्रॉ नियर एल्बो एरिया और ऑन पाम बिकॉज दोज टू प्लेसिस हैज़ मैक्सिमम एरिया, सो यू कैन ड्रॉ देम विदाउट कंस्ट्रेनिंग देयर प्रपोर्शन। नॉट ओनली पिकॉक, इफ यू आर ड्रॉइंग ब्राइड, ग्रूम, एलिफेंट, हॉर्स और एनी फिगराइन एलिमेंट देन इट्स बेटर दैट यू यूज एल्बो साइड और पाम साइड एरिया फॉर दोज एलिमेंट्स, बट बी केयरफुल एट सेम टाइम बिकॉज एल्बो साइड एरिया इट्स डिफिकल्ट टू गेट डार्क कलर, सो फॉर दैट रीजन आइदर यू शुड हैव बेस्टेस्ट क्वालिटी हैना और यूज लिटल थिक एलिमेंट्स, अदरवाइज योर हार्ड वर्क गो इन टू ड्रेन। इस मेहंदी में मैंने पिकॉक का फ्रंट आगे का व्यू ड्रॉ किया है, इट्स मोर लाइक अ डांसिंग पिकॉक। अगर आप कोई बड़ा एलिमेंट जैसे यहाँ पिकॉक मैंने बनाया है, वैसे एलिफेंट, हॉर्स, दुल्हा, दुल्हन वगैरह जैसे बड़े एलिमेंट बना रहे हो तो यह बेहतर रहेगा कि आप उसे एल्बो के पास या तो हथेली में, पाम में ड्रॉ करें, क्योंकि वो एरिया थोड़ा मोटा है कंपेयर टू बाकी के हाथ से, तो आप अच्छे से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि एल्बो साइड का एरिया है वहाँ कलर मुश्किल से आता है, तो या तो बहुत ही अच्छी मेहंदी यूज़ करें और थोड़ी मोटी लाइन वाली डिज़ाइन बनाएं। यहाँ मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में नगाड़ा, शहनाई और ढोलक बनाए हैं, मैंने वैसे ही उन्हें ड्रॉ किया है जैसे मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में प्रैक्टिस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सीखने में आसानी रहे इसीलिए मैंने ये किया हुआ है कि मैंने वो सेम एलिमेंट यूज़ किया है यहाँ पर, आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। और हाँ, जब भी ऐसे एलिमेंट बीच में ड्रॉ करें तो उसे आउटलाइन देकर बाकी की डिज़ाइन से अलग कर दे, ताकि जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ऐसा करने से जो डिज़ाइन लाइक है वो मेन हीरो की तरह उभर के आ जाए, डिफरेंट हो जाए बाकी की स्मॉल डिज़ाइन से।
I had shown you musical instrument drawing in my previous video. Link is in description box if someone has missed that video. Anyway, I have used exact same drawing in this design. The only purpose is you can have better understanding of those designs, and this design will show you how can you use them collectively. Don't forget to give outline to these types of elements. Because then only it will shine like hero in entire design. बाकी डिज़ाइन मैंने रिलेटिवली सिंपल रखी है, तो आप इसे पूरे वीडियो को इस पूरे वीडियो को देखें और समझें कैसे हाथ पर मेहंदी लगाई जाती है, कैसे पोजीशन एडजस्ट की जाती है जिससे बेहतर तरीके से डिज़ाइन की जाए, और सारे एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कैसे मिलाकर पूरी डिज़ाइन तैयार की जाती है। इसी वजह से मैंने कई एलिमेंट है वो सेम ही यूज़ किए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि एक ही तरह के एलिमेंट को अलग अलग तरीके से यूज़ करके कैसे हर बार कुछ नया ड्रॉ किया जा सकता है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी ये बताना मत भूलना। और हाँ, एक और बात, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, मैं अपने मेहंदी के कोन खुद बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ उसके वीडियो मैंने डाले हुए हैं, अगर आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर हो सके तो आप मेरी चैनल के मेन पेज पर जाएं और वहाँ आपको सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। खास करके ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट देखें और सिंपल मेहंदी की प्लेलिस्ट देखें, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और हर एक वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सिखाया है, तो ये वीडियो भी देखते रहिए। और तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चले। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। रेस्ट ऑफ द डिज़ाइन आई हैव केप्ट रिलेटिवली सिंपल बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप दिस डिज़ाइन सिंपल सो ऑल ऑफ यू कैन प्रैक्टिस। द ओनली चैलेंजिंग एलिमेंट इज दैट टाइल चेक्स, so instead of that you can do any other simple checks design that we have practiced in previous videos, or you can fill that part with any filler element of your own choice. Watch this entire video, it would be helpful for you to understand how to see it when you are applying mehndi to someone, then you can have little idea how to adjust yourself while applying henna. As I said, I have used simple element that either I have taught you or have used them many times in my previous videos. The purpose of using them again and again is you have clear idea how can we use same elements but differently with different layout of designs. It's very important to understand same elements can give different look if it have been used with variety. So please keep watching this video and then let me know through your comments how do you find my design. And if you have not subscribed my channel, please do so. And if possible, in case you have not watched my all tutorial videos, please watch them, because all of them teach you something new. And for easy navigating, go to my channel main page where you can have easy access to my all playlist. So keep watching. Keep practicing. Next video will bring something more exciting. Till then, I take leave from all of you. Bye. See you. Thank you, everyone. Bye bye. See you.
Very sure. Once you understand the basic of it, you can create various style of this same instrument. और लास्ट की जो शहनाई बनाई है वो एक्चुअली बारात में होती है, जब वो बारात पूरी निकलती है और उसके साथ म्यूजिकल